प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वैदिक गणित की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में यादुनम सूत्र का अर्थ और उसका जो बेसिक उपयोग है वो सीखा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से यादुनम सूत्र का प्रयोग करके आप स्केयर कैलकुलेट कर सकते हो। फास्ट तरीके से जो स्केयर है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्केयर कैसे मिलता है, किसी भी संख्या का स्केयर हम कैसे ज्ञात करते हैं कि उस संख्या की उस संख्या के साथ गुणा करके जो हमारे पास गुणनफल आता है वही हमारा स्केयर होता है। जैसे पांच का स्केयर कैसे मिलेगा, पांच के पांच के साथ गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो पांच का स्केयर मिल जाएगा, पांच का वर्ग या फिर पांच का स्केयर। अब प्यारे बच्चों, 1 से लेके 10 तक तो हमें वैसे ही याद होते हैं, क्योंकि इनमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये तो हमारे टेबल्स में भी होते हैं। 1 1 2 2 3 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 की मल्टीप्लाई, 4 4 जा 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 8 8 जा 9 9 जा 10 10 जा 100, तो ये तो हमारे पास होते ही है। तो अब हम बात करें जैसे 11 से आगे। अब यादुनम सूत्र, मान लो आपको 11 का स्केयर निकालना है, 11 का स्केयर निकालना है। अब इसके लिए आपके पास दो स्टेप है इसकी। एक तो आप ये देखें कि 11 का पूरक क्या है, 11 का जो पूरक है वो क्या है, 11 का पूरक, तो पूरक कैसे निकालते हैं, इसके निकटतम क्रियात्मक आधार से निकालते हैं। अब इसके जो निकटतम जो बेस है वो 10 है, 10 माइनस 11, क्योंकि पूरक हम किसका निकाल रहे हैं, 11 का, तो कितना आया -1, पूरक कितना आया -1। अब हमें क्या करना है, 11 का वर्ग निकालना है। 11 का वर्ग निकालने के लिए दो स्टेप है आपके पास। एक तो संख्या में से पूरक को माइनस कर दो, संख्या है हमारे पास 11 और पूरक है -1, जब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। दूसरा जो स्टेप है, जो पूरक है उसका वर्ग कर दो, -1 का जब स्केयर करेंगे, वर्ग मतलब स्केयर करेंगे, तो -1 का स्केयर तो 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि हमारे पास कितना मिल जाएगा, 121। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। एक और देखते हैं, 12 का वर्ग हमें निकालना है। अब देखिए इसके फिर दो स्टेप है, पहले आप इधर वाला कर ले, इधर वाला कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इसका जो पूरक है, पहले तो आपको वो निकालना है, तो पूरक इसका निकालेंगे, इसका बेस कितना होगा, 10 होगा, तो पूरक आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 12, कितना हुआ, -2। तो इधर तो क्या लिखना है, इस पूरक का वर्ग, पूरक का वर्ग -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। और अब इस संख्या में से ये माइनस करना है, तो 12 में से -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144। तो आप देखेंगे यही आ गया है हमारे पास, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब ये तो हुआ पूरक के हिसाब से हमने इसको कर लिया। अब मैं इस कैलकुलेशन को और फास्ट करता हूं कि कैसे हम इसको और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस कैलकुलेशन को हम और फास्ट कैसे कर सकते हैं। देखते हैं, ये हमने पूरक के हिसाब से किया है, ये भी अब हम पूरक के हिसाब से ही कर रहे हैं, लेकिन देखो कैलकुलेशन को फास्ट। अब हमें यह पता चल गया कि पूरक माइनस का आ रहा है और माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो अब देखो ये बेस से, इसके बेस से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 10 से ये 1 ज्यादा है, तो इसमें 1 और प्लस कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, 1 और प्लस कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 1 का स्केयर कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये आ गया 121। 12 के लिए करते हैं, आपकी मर्जी है, ये 2 ज्यादा है
तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसमें 2 प्लस कर दो तो ये 144 हो गया। नेक्स्ट 13 का स्क्वायर, ये बेस से 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और इसमें 3 प्लस कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो 169 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर, ये 4 ज्यादा है तो 4 से 16 हो जाएगा और इस 4 ज्यादा है तो इसमें 4 प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे बेस हमारा 10 है, बेस 10 मतलब 0 हमारे पास 1 है यहाँ पे, यानी कि 1 डिजिट लेना है हमें यहाँ पे, तो 1 डिजिट लेना है तो इसका मतलब 166 यहाँ पे रहेगा, जो ये 1 है ये आगे चला जाएगा, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, तो 196 आ जाएगा आपके पास। इस तरह से ये आप देखें। अब आप देखें 15 का करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसमें प्लस कर देंगे 5 तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 डिजिट ही रखना है तो ये इधर आ जाएगा 20 और 2 तो ये 22 हो जाएगा, तो 225। वैसे भी इसको तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर स्केल करते वक्त यूनिट डिजिट 5 है तो 5 भी 5 के साथ मल्टीप्लाई 25, इस पे एक आधी कैन भी लगा सकते हैं, तो 1 की इससे अगले के साथ मल्टीप्लाई, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 आ जाएगा तो 225 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 16 के स्केयर की बात करें तो 16 ये हमारे पास 6 ज्यादा है तो 6 का 36, 16 और 6 22 हो जाएगा और ये 3 आगे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 256। 17 के स्केयर की बात करें अगर हम तो 7 ज्यादा है तो 7 से ये 49 हो जाएगा, 17 और 7 24 हो जाएगा, ये 4 आगे चला जाएगा तो 289 हो जाएगा। 18 के स्केयर की अगर हम बात करें तो 8 ज्यादा है, 8 का 64 होता है, इसमें 8 प्लस करेंगे तो 26 और 6 ये आ जाएंगे तो ये 32 हो जाएंगे। 19 के स्केयर की अगर हम बात करें तो 81, क्योंकि 9 ज्यादा है तो 81 हो जाएगा, इसमें 9 प्लस करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 डिजिट ही रखना है तो ये 8 आगे चला जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, तो 361 हो जाएगा। और 20 का स्केयर तो हम 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 और डबल 0 लगा देंगे, तो ये तो हमें पता ही है। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें 20s की लाइन की, जैसे 21 का स्केयर हमें कैलकुलेट करना है तो 21 के स्केयर के लिए हम क्या करेंगे, मान लो आपको 21 का स्केयर करना है, अब इसके पास के लिए आपके पास दो तरीके रहेंगे। एक तो आप ये देखें कि ये 10 से इसका जो बेस है 100 से तो बहुत दूर है ये, तो 10 से कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, 10 से ये 11 ज्यादा है तो 11 का स्केयर करेंगे, यहां पर तो 11 का स्केयर लिखेंगे। अब 11 का स्केयर तो हमें पता है कितना होता है, 121 होता है, 121 बेस हमारा 10 ही है, बेस ध्यान रखेंगे 10 ही है हमारे पास 121। अब ये 121 हो गया, स्केयर तो कर दिया जो भी हमारे पास जितना ज्यादा था, और जितना ज्यादा था इसमें प्लस कर देंगे 21 और 11 32 हो जाएंगे, लेकिन यहां पे तो बेस 10 है, बेस 10 है हमारे पास तो यहां तो 1 डिजिट आना है तो ये जो 12 है वो आगे चला जाएगा, ये 12 आगे चला जाएगा 32 और 12 41 44 हो जाएंगे तो ये हमारे पास 21 का स्केयर आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, पहले एक और लेते हैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे 22 का स्केयर हमें करना है तो ये 10 से 12 ज्यादा है, 12 का स्केयर हमारे पास 144 होता है और इसमें 12 प्लस कर देंगे तो 12 प्लस करेंगे तो 34 बनेगा, लेकिन यहां तो 1 डिजिट रखना था तो ये 14 आगे चला जाएगा, तो 14 को आगे कर देंगे तो 34 में 14 प्लस करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और 4 लग जाएगा तो ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये रहेगा। एक दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 21 का स्केयर है आप मल्टीपल ऑफ बेस ले लें, बेस इसका 20 मान लें, ये 10 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ बेस 10, 10 बेस का ये मल्टीपल है, तो 10 बेस का मल्टीपल है तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं,
10 बेस का मल्टीपल है, बेस 20 लिया हमने, अब ये 20 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 20 से 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसमें 1 प्लस कर देंगे, जितना ज्यादा होता है उसका स्क्वायर करते हैं और उतना ही प्लस कर देते हैं, यही तो है याउनम, जितने की अधिकता है या जितना कम है। अभी ज्यादा है ज्यादा कर देंगे, कम होता तो कम कर देते। अब यहां पे देखो 21, 20 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, और अब इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये 22 बनेगा। लेकिन ये मेथड तो किसके लिए है, जब बेस 10 है, हमारा बेस 20 है, 10 से 20 कैसे बना होगा, 10 से 20 कैसे बना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएंगे, इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा, या तो आप इस तरीके से करें, लेकिन इस तरीके से करने के लिए आपको ये सारे 11 का स्क्वायर ध्यान रखना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपने मल्टीपल ऑफ बेस लिया है तो जितने का मल्टीपल है उतने से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो 22 का स्क्वायर आपको करना है, 22 का स्क्वायर, ये 20 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसमें 2 प्लस किया तो ये 24 हो गया, 24 का डबल कर दो आप 48, ये आ गया 484, तो ये हमारे पास मिल गया हमें ये, तो ये ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो रही है। एक और देखते हैं, मान लो हमें 23 का स्क्वायर करना पड़ जाए, 23 का स्क्वायर करना पड़ जाए, 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, अब ये कितना है हमारे पास 3 ज्यादा है तो 3 और ज्यादा कर देंगे, इसमें तो 26 हो जाएंगे और उसका डबल कर देंगे 52, तो ये आ गया 529। तो इस तरह से मल्टीपल ऑफ बेस में जितना बेस का मल्टीपल है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हम चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्टीज की लाइन की, अगर हम थर्टीज की लाइन की बात करें, शुरू में प्यारे बच्चों आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस होती है, जैसे मैंने डिसाइड करे थे, तो इस तरह से आप चुटकियों में स्केयर्स कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपको 31 का स्केयर करना पड़ जाए, तो इसके लिए बेस हम ले लेते हैं 30, यह है मल्टीपल ऑफ बेस 10, मल्टीपल ऑफ बेस 10, बेस तो हमारा 10 ही है, उसका मल्टीपल बेस है। अब 10 से 30 कितने से बना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके बना होगा, बस आपको यह ध्यान रखना है। अब देखो फर्स्ट स्टेप, 30 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्केयर 1, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 32 बन गया, लेकिन मल्टीपल ऑफ बेस है, कितने से मल्टीप्लाई करके मिला है 3 से, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 और ये 9, और 961 हो जाएगा। 32 का स्केयर निकालना है हमें, 32 का स्केयर निकालना है, तो ये 2 ज्यादा है, 2 का स्केयर 4 हो गया, 2 का स्केयर हमारे पास 4 हो गया, अब 2 इसमें प्लस करेंगे तो ये 34 हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 2 तो ये आ गया 1024। हमें 34 का निकालना है, तो 34 का यहाँ पे 4 है, 4 ज्यादा है तो 4 का स्केयर तो 16 हो जाएगा, अब इसमें 4 प्लस करेंगे तो ये 38 हो जाएगा, 38 का 3 टाइम करेंगे 24, ये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ तो 1 ही डिजिट लेना है क्योंकि बेस तो एक्चुअली 10 ही है हमारा, तो ये 1 आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमने ठीक किया ना मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये वन आगे चला जाएगा 1156, तो ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप थर्टीज की लाइन के लिए कर सकते हैं। अब ट्वेंटीज की लाइन के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 की लाइन के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 40 की लाइन में हम आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आप 50 तक के जो स्केयर्स है या दूनम, 50 तक नहीं, आप कहीं तक के भी स्केयर्स या दूनम सूत्र से निकाल सकते हैं। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग सीखेंगे स्केयर्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।